हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया आपके लिए, जिसके लिए मैं आपके सामने जस्ट डायल का चार्ट लगाया हूं आपके सामने। और क्यों मैंने जस्ट डायल चूज किया, क्योंकि आज इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 17% का मूव दिया है। एक ही दिन में 120 पॉइंट्स का जंप देखने मिला आपको, या उससे ज्यादा ही एक्चुअली देखने मिला। बाय द टाइम ऑफ क्लोजिंग 119.30 का जंप और 16.5% का जंप आपको देखने मिला। आप देख सकते हो किस तरीके की ह्यूज वॉल्यूम्स में आज के दिन में बाइंग हुई है, कितना जबरदस्त बड़ा कैंडल बना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने शायद अगस्त या सितंबर के मंथ में इस स्टॉक का आपको कॉल दिया था, जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में। लेकिन ये कॉल अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, क्योंकि स्टॉक बहुत ही लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला गया। इनफैक्ट जुलाई, मिड जुलाई से अक्टूबर तक ये स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था, और अक्टूबर के बाद एक जबरदस्त गिरावट देखने मिली आपको इस स्टॉक में। अब इस गिरावट के कई सारे कारण थे दोस्तों। इसमें एक रिलायंस रिटेल के स्टेक्स लेने की खबर आई थी, इसके अलावा कंपनी ने बायबैक ऑफर किया था, इसके अलावा जब इसी दौरान रिजल्ट्स भी आए थे तो रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में भी स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन हो गई थी, क्योंकि रिजल्ट इसके काफी खराब आए थे। और उसी के चलते अभी रिसेंटली, इनफैक्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स, एक छोटी सी अपसाइड इसमें देखने मिली, एक रिवर्सल देखने मिला है, और उसके बाद आज जाके ये एक बड़ा मूव देखने मिला है। तो अब दोस्तों, ये मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, क्या हम इस तरीके के स्टॉक में जब बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, क्या ये अपसाइड हम प्रेडिक्ट कर सकते थे? मे बी इसमें हम इतना बड़ा मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इतना 20% या 15% का मूवमेंट देगा, लेकिन क्या एक ट्रेंड रिवर्सल, बियरिश ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, उस बियरिश ट्रेंड का जो रिवर्सल हुआ, इस बियरिश ट्रेंड का रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्या हम इस ट्रेंड रिवर्सल को प्रेडिक्ट कर सकते थे, स्पॉट कर सकते थे, या आइडेंटिफाई कर सकते थे? कितने लोगों को लगता है कि हम ये ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट कर सकते थे सही टाइम पे? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग को ये लगता था कि हाँ, हम इसको कर सकते थे। इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करने वाले दोस्तों डिटेल में, क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली हम इस तरीके के ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते और स्पॉट कर सकते वेल इन एडवांस। कैसे करना है उसको, कैसे कर सकते थे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप कर करके ना देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने मिलेगी, एक लर्निंग वीडियो रहेगा ये। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते थे, इस ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट कर सकते थे या आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे आज के कैंडल को हाइड करना होगा, क्योंकि आज के कैंडल के होते हुए चार्ट पे आपको ये लर्निंग एक्चुअली में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कैंडल जब नहीं होगा तब आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर रहेगी। तो इसको मैं सबसे पहले हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये इस कैंडल को हाइड कर दिया, आप देख सकते हो। इस आज के दिन की अगर कैंडल को हम अवॉइड करेंगे तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल होगा? जब कोई स्टॉक डाउनफॉल में हो तो वो हमेशा अपने लोअर हाइस और लोअर लोस बनाता है। तो इस केस में लोअर हाइस जो है ये वो लोअर हाई लेवल है, ठीक है। इसके बाद जो लोअर लो बना, उसके बाद एक राइज हुआ। अब ये जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेंड का रिवर्सल नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोअर हाइस को जब वो तोड़ेगा तभी हम मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन बेसिक्स है स्टॉक मार्केट के, जो हम रेगुलरली सीखते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल का एक वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा आपको वो चीज जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आज के दिन में अगर ये कोई बड़ा मूव नहीं देता तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक हम इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करते थे पहले, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। हायर टाइम फ्रेम चेक करते कि किस तरीके का हमको चार्ट सेटअप दिख रहा है। सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। आप देख रहे हो मंथली चार्ट में मुझे क्लियरली ये विजिबल है, ये यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद एक हायर हाइस बनाते जा रहा है, और अब यहाँ जाके इस मंथ की जो कैंडल है दिसंबर मंथ की, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो, बट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो। इसके अलावा अब हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट में ये पिक्चर थोड़ा और ज्यादा क्लियर है इन टर्म्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। आप देख सकते हो किस तरीके से गिरावट आने का एक हैमर कैंडल दिख रहा है आपको वीकली कैंडल पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से एक रिवर्सल होता हुआ हमें ऑब्जर्व हो रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट में भी जब तक हम इस लेवल को तोड़ेगा नहीं तब तक हम मान ही नहीं सकते कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ। हालांकि हाँ, अपसाइड जरूर चल रहा है, बट ये लेवल तोड़ेगा तब हम मानेंगे कि ये रिवर्सल हुआ ट्रेंड का। लेकिन कई लोगों को कैंडल स्टिक समझ में नहीं आता या कैंडल स्टिक के पैटर्न समझ में नहीं आते, उसकी मदद से रिवर्सल आइडेंटिफाई करना नहीं आता। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत ही सिंपल है, और स्टेप बाय स्टेप उसको डाइसेक्ट करेंगे किस तरीके से हम क्या वाकई में इसको एनालाइज कर सकते थे। लेकिन उसके लिए मुझे स्टॉक की स्ट्रेंथ देखनी होगी, और स्टॉक का स्ट्रेंथ की मदद से हम ये चीज समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भी मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स
मैं बिलीव नहीं करता। सिर्फ मैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स को, चार्ट को और वॉल्यूम्स के साथ साथ RSI को एक कंसीडर करता हूँ, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल, वो भी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन से, क्योंकि मैं RSI को एज अ स्ट्रेंथ देखता हूँ। इसके अलावा कभी कभार मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन। अब दोस्तों 99% लोग RSI के बारे में जानते ही नहीं है, जानते जरूर है RSI क्या है बट उसके कंसेप्ट ही उनको क्लियर नहीं, क्योंकि 99% लोगों का यही मानना है कि RSI से हमको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन पता चलता है किसी भी स्टॉक का, जो कि बिल्कुल भी गलत है। RSI को आपको एज अ ओवरसोल्ड या ओवरबॉट की तरह नहीं देखना है, RSI एज अ स्ट्रेंथ देखना है। स्टॉक की स्ट्रेंथ आपको RSI बताता है, आपको सिर्फ उस स्ट्रेंथ वर्ड पे फोकस करना है। RSI बेसिकली सिर्फ स्टॉक का आपको स्ट्रेंथ बताता है और कुछ नहीं। हम RSI की मदद से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हो मैंने स्टॉक का स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा दिया RSI। स्ट्रेंथ के लिए आप बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो बट मैं बेसिकली प्रीफर करूंगा RSI का। नॉर्मल RSI सेटिंग है 60-40 का मैंने RSI लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक की जो गिरावट हो रही थी लोअर हाइस लोअर लोस बनाते चलता है। पहला जो लोअर लोस था वो ये है, सेकेंड जो था ये है और तीसरा जो था वो ये है। तो ये तीन लोअर लोस है। तो जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस में गिरावट आ रही है तो लॉजिकली तो उस हिसाब से स्टॉक की स्ट्रेंथ में भी गिरावट आनी चाहिए। तो आप क्या यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की स्ट्रेंथ में गिरावट आ रही है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये जो लो पॉइंट था ये उसका RSI का लो पॉइंट था, ये RSI का लो पॉइंट। सेकेंड जो लो पॉइंट था वो ये था और थर्ड जो था, तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे तो दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस तो गिरते जा रहा है लेकिन स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है यानी कि RSI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या आपको ये चीज क्लियर दिख रही है? मैं आपको एक बार ये RSI ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन की मदद से, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला लो से लेके सेकेंड लो तक अगर मैं चेक करूँ, ये हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक की प्राइस में तो गिरावट हो रही है लेकिन आप देखो RSI राइजिंग है, स्टॉक का प्राइस फॉलिंग है लेकिन RSI राइजिंग है। तो ये आपके लिए पहला इंडिकेशन था, पहला कंफर्मेशन था जहां आपको बता रहा है स्टॉक का स्ट्रेंथ बता रहा है कि प्राइस भले ही गिर रहा है लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ गैदर हो रही है, स्टॉक में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये जाके गिरावट रुकेगी और अब यहाँ से एक अपसाइड शुरू होगी। ये आपको सबसे पहला इंडिकेशन इसने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया था। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। थर्ड लोअर लोस पे हम जाते हैं, आप देखते इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए दोबारा स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं लोअर लोस को टच कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं RSI के लोअर लोस को टच कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको स्टॉक में क्लियरली ये दिख रहा है RSI क्लियरली राइजिंग है लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक का प्राइस में फॉल हो रहा है जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्लियरली आपके लिए एक इंडिकेशन था कि यहाँ से स्टॉक में अभी गिरावट का समय बंद होने वाला है और एक अपसाइड शुरू होने वाला है। अब दोस्तों कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि दोस्तों सर यहाँ पे भी एक अपसाइड शुरू हुआ था यहाँ पे इस लेवल पे, आप देख सकते हो एक अच्छा खासा 3 कैंडल का अपसाइड था उसके बाद दोबारा गिरावट शुरू हो गई, तो क्या ये एक ट्रैप था हमारे लिए? अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वो लेवल है जहां से एक अपसाइड आपको देखने मिला उसके बाद दोबारा एक गिरावट देखने मिला, लेकिन ये जो गिरावट आप देखोगे इस गिरावट के बाद भी इस गिरावट में इसके जो लास्ट लोस थे इसको उसने तोड़ दिया इस गिरावट में, ठीक है प्राइस ने। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस जब यहाँ से गिरा तो इसने लास्ट अपने इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है लेकिन क्या RSI इसके नीचे क्लोजिंग दे पाया? RSI इनफैक्ट उसके ऊपर ही था, मतलब प्राइस यहाँ पे भी गिरा लेकिन RSI फिर भी इसके ऊपर था। तो ये दिखा रहा था स्टॉक में स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, अब ये गिरावट कहीं ना कहीं जाके रुकेगी दोस्तों। और इसके बाद बिल्कुल वैसे ही हुआ, इसके बाद जो एक अपसाइड शुरू हुई इसके बाद इसने रुकने का नाम नहीं लिया। तो अब आप देख सकते हो उसके बाद जाके ये एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिला। अब ये समझाने का मतलब ये नहीं है कि सर आप 15% या 20% का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सीखने वाली और समझने वाली बात ये है कि आपको ये चीज काफी पहले इंडिकेट हो चुकी थी, इनफैक्ट यहीं से इंडिकेट होना शुरू हो चुका था सेकंड पॉइंट से। अब यहाँ से अपसाइड शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ गैदर हो रही है स्टॉक में, तो ये किसी भी वक्त स्टॉक अपसाइड मूव होना चालू होगा। आपको ये जो फेज था स्टॉक का इसी फेज में आपको एंट्री लेना था स्टॉक में, क्योंकि तब जाके आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। अब ये स्टॉक धीरे धीरे रोज 0.5% 1% मूव हो या फिर किसी एक दिन में अच्छा खासा 15-20% का जंप दे दे वो डिपेंड करता है दोस्तों मार्केट के सिचुएशन के ऊपर, लेकिन इतना तो कंफर्म था कि हमें बेसिकली हमको इस पॉइंट पे समझ में आ गया था कि यहाँ से प्राइस नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो गिरा लेकिन RSI नहीं गिरा पॉइंट पे। आप देख सकते हो RSI ने इस लेवल को नहीं तोड़ा था, तो यहीं पे आपके लिए इंडिकेशन था। तो आपको ये 3-4 कैंडल वेट करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे एंटर कर सकते थे, यही वो कंफर्मेशन था। अब दोस्तों कई लोग इसको RSI का डाइवर्जेंस भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं बट RSI एज अ डाइवर्जेंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे अभी तक RSI का वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ RSI पे ऑलरेडी सभी लोगों ने YouTube पे हजारों वीडियो से RSI के सभी लोगों ने देख चुके हैं, उसके बावजूद लोगों को नहीं पता है या नहीं सीख पा रहे कि RSI को एक्चुअली कैसे इस्तेमाल करना है, RSI एक्चुअली होता क्या है,
वो लोग सिर्फ इतना ही मान के चलते हैं कि RSI सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवर बॉट देखने के काम आता है, बट बेसिकली आपको ये चीज समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ RSI एज अ स्ट्रेंथ देखिए, RSI को एज अ स्ट्रेंथ देखोगे तभी आप सही चीजें सीख पाओगे और सही चीजें एनालाइज कर पाओगे। और ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था और समझाना चाहता था। RSI डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों RSI डाइवर्जेंस जो है उसके अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस भी होते हैं। तो उन चीजों को मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, बट मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को RSI डाइवर्जेंस के बारे में भी नहीं पता है, बहुत लोगों को RSI के बारे में ही नहीं पता है, तो RSI डाइवर्जेंस डिस्कस करना बेवकूफी है दोस्तों। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि RSI एज अ स्ट्रेंथ भी अगर आप देखते हो और सिर्फ स्ट्रेंथ की तरह इसको ऑब्जर्व करते हो तो भी आपको समझ में आ जाता है विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ RSI डाइवर्जेंस, तो भी आपको ये चीज स्पॉट हो जाती है या ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि इस लेवल पे आपको उसको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में एक इमिनेंट अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। अब ये अपसाइड छोटे छोटे मूवमेंट्स हो सकते हैं या फिर किसी एक दिन कोई अच्छा बड़ा जंप आपको देखने मिल सकता है जब से अच्छे वॉल्यूम्स में बाइंग हुई हो। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको तीन इसमें फायदा होता है दोस्तों। सबसे पहला चीज, आप स्टॉक को राइट एट दी बॉटम, कोई स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है तो राइट एट दी बॉटम आप यहाँ पे परचेस कर सकते थे, ये आपको बॉटम प्राइस मिल जाता। एडवांटेज ये होता कि फिर किसी दिन अगर छोटे छोटे मूवमेंट्स आते रहे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो होते रहेगा, लेकिन किसी एक दिन अगर कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट आपको मिलता है, किसी स्टॉक को वैल्यू बाय करना बॉटम पे और उसके बाद एक ऐसा बड़े मूवमेंट का हिस्सा होना, उसका एक अलग ही फील आता है दोस्तों, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपके एनालिसिस के लिए, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है कि जिस तरीके से प्राइस में गिरावट हो रही थी और RSI में बढ़ोतरी हो रही थी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही थी स्टॉक में, इससे एक चीज आपको पता चल रहा था कि स्टॉक की प्राइस में भले गिरावट आ रही थी, यहाँ पे एक्चुअली में बायर्स इमर्ज हो रहे थे, बायर्स में इंटरेस्ट जाग रहा था और बाइंग इमर्ज हो रही थी अच्छे खासे क्वांटिटी में धीरे धीरे। तो ये चीज आपको पॉजिटिव सिग्नल था कि यहाँ से स्टॉक अपसाइड जाएगा, और जैसा कि मैंने कहा उसके बाद एक इमिनेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है, सिर्फ चाहे वो छोटे छोटे मूवमेंट्स हो या फिर किसी एक दिन बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिले। अब आप देख सकते हो आज इससे इतना बड़ा मूवमेंट दिया तो डेफिनेटली इसने अपना प्रीवियस लोअर हाइस को तोड़ दिया है, तो ये डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो चुका है। अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हम इस स्टॉक में अब एंटर कर सकते हैं, और अगर एंटर कर सकते हैं तो किस लेवल पे एंटर करना चाहिए और किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक की, लेकिन डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और आज इतना जबरदस्त मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बनता है दोस्तों इस स्टॉक में। ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ के जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है और इस लेवल से एक बाउंस बैक कर सकता है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो आप इस लेवल पे एंटर कर सकते हो, यहाँ से आपको मिनिमम दोस्तों स्विंग ट्रेड टू शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो और एटलीस्ट आपको ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं दोस्तों 1000 के लेवल्स, मे बी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मे बी 1 month 2 months के टाइम में डेफिनेटली आपको ये 1000 के लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये वीडियो बनाने का एम ये था ताकि आपको एक केस स्टडी दिखाओ लाइव एग्जाम्पल के साथ, एक रिसेंट स्टॉक के साथ जिसमें आज ही मूवमेंट हुआ है, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। आपको भले ही RSI के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम, सिर्फ अगर आप RSI एज अ स्ट्रेंथ भी देखते और उसके हिसाब से भी अगर आप इस चीज को एनालाइज करते तो आपको बहुत पहले पता चल जाता कि ये स्टॉक में ऑलरेडी अपसाइड आने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो और बहुत सारे स्टॉक्स में आपको इस तरीके का डाइवर्जेंस देखने मिल सकता है। खास करके मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक केमिकल स्टॉक के बारे में वीडियो बनाया था अल्काइल अमाइन के नाम से, आप उस स्टॉक का चार्ट को भी चेक कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि काफी सारे केमिकल स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट हुई थी, ऑलमोस्ट 30-40-50% की गिरावट हो चुकी है। अल्काइल अमाइन का चार्ट जरूर चेक करिए, उसमें भी कुछ सिमिलर इस तरीके का आपको डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। उसमें भी अभी बॉटम हो चुका है दोस्तों, बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक और धीरे धीरे अपसाइड शुरू कर रहा है। अब उसमें भी इस तरीके से कोई बड़ा मूवमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है वो तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे वो अपसाइड जर्नी शुरू कर चुका है। आप भी ऑब्जर्व कीजिए चार्ट्स पे और मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में और किस स्टॉक्स में आपको ऐसे इस तरीके के सेटअप दिख रहे या इस तरीके का डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। जस्ट RSI एज अ स्ट्रेंथ देखिए और प्राइस की मूवमेंट और RSI की मूवमेंट को ट्रैक करिए दोस्तों, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से चार्ट में आपको ऐसा दिख रहा है। ये उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज जरूर लाइक कीजिए। कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से यूट्यूब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और ना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।